अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज सिंह चौहान में किस नए चेहरे को कास्ट किया जाएगा, और पृथ्वीराज सिंह चौहान के दोस्त होने के बावजूद भी चंद्र बरदाई ने क्यों किया उनका वध। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हुसानिया सैफी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है और उनकी पिछली फिल्म केसरी ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया था। तो अब जो उनकी एक और फिल्म अनाउंस हो चुकी है, पृथ्वीराज चौहान, ये फिल्म बायोपिक होने वाली है पृथ्वीराज सिंह चौहान की। तो उनकी कहानी को दिखाया जाएगा और अभी तक इस फिल्म की हीरोइन का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस फिल्म के लिए कास्ट किया जाएगा मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर को। मानुषी ने 2017 में मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था और तभी से वो खबरों में है, और इस फिल्म के लिए, इस फिल्म के मेकर्स जो हैं वो चाहते हैं कि कोई नया चेहरा कास्ट किया जाए इस फिल्म में। इसीलिए बातचीत चल रही है मानुषी से, और अगर वो हाँ कर देती हैं तो इस फिल्म में संयोगिता का किरदार निभाती हुई हमें नज़र आएंगी मानुषी, और उनका बॉलीवुड में डेब्यू भी इसी फिल्म से हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मानुषी इस फिल्म में हाँ करें तो हमें ज़रूर बताएं नीचे कॉमेंट सेक्शन में। बाकी आज हम बात करते हैं चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज सिंह चौहान की दोस्ती के बारे में। एक सच्चा दोस्त कौन होता है? एक सच्चा दोस्त वो होता है जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारी परेशानियाँ, तुम्हारे सुख दुख तो समझे ही समझे, लेकिन तुम्हारी जो एक प्राइड होती है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, उसको तुमसे ज़्यादा समझे, उसको रिस्पेक्ट करे, तुम्हारे पर्सनल स्पेस को, तुम्हारे थॉट्स को जो ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, वही आपका एक करीबी दोस्त होता है। और ऐसे ही दोस्त थे चंद्र बरदाई, जिन्होंने अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में वो तक कर दिया जो शायद ही कोई दोस्त कर सकता हो। तो मैं आपको कहानी तो सुना ही चुकी हूँ पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की लव स्टोरी की पुरानी वीडियो में, लेकिन आज मैं आपको उसके आगे की कहानी सुनाऊंगी और मेन फोकस हमारा रहेगा उनकी दोस्ती पर। तो पृथ्वीराज सिंह चौहान को एक वॉरियर के रूप में, एक योद्धा के रूप में सभी जानते हैं कि किस तरह वो आखिरी हिंदू सम्राट थे जिन्होंने दिल्ली पर राज किया था और उनका सामना कोई कर नहीं सकता था। तो एक योद्धा को सभी ही सोचते हैं कि उनका दिल एकदम ऐसा होता होगा, हार्ड एकदम, कि भाई जाना है, जंगे लड़नी है। ऐसा नहीं है, वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थे, और ये बात साबित होती है उनकी लव स्टोरी से। सिर्फ लव स्टोरी से ही नहीं, बल्कि उनके दिल में कितना प्यार था उनके दोस्तों के लिए, ये बात उससे भी साबित होती है। तो जब संयोगिता को उनके स्वयंवर से उठाकर ले आए थे पृथ्वीराज सिंह चौहान, तो संयोगिता के फादर यानी कि राजा जयचंद ने ये फैसला किया था कि वो पृथ्वीराज चौहान को मजा चखाएंगे, उनको उनसे बदला लेंगे कि उन्होंने इस तरह सबके सामने उनकी बेइज्जती कर दी कि उनकी बेटी को उनके सामने से उठा कर लेकर चले गए। और इसीलिए राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ हाथ मिलाया उनसे बदला लेने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए। तो अब मोहम्मद गौरी का केस ये था कि वो ऑलरेडी मतलब महाराज पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा चुके थे 16 बार, उन्होंने उनको 16 बार मात दी थी और 17वीं बार उन्होंने उनको छोड़ दिया था कि भाई तू जा, मैं कुछ रखना नहीं है, तू घर जा अपने। तो अब जब वो इतनी बार हार चुका था तो उसके मन में था कि भाई मुझे इससे बदला लेना है, इसको, इसने मेरे को इतनी बार हराया है, एक बार तो मैं ज़रूर इसको हराऊंगा। तो वो भी मन में ये लेके बैठा था, और राजा जयचंद वो भी उससे बदला लेना चाहते थे। तो इसीलिए उन दोनों ने मिलकर प्लानिंग की और अपनी दोनों ने आर्मीज तैयार की और अटैक किया। अब जब लड़ाई हुई तो क्योंकि ऑब्वियसली मोहम्मद गौरी की फोर्स अब बढ़ चुकी थी क्योंकि उसके साथ एक और फोर्स मिली हुई थी, इसीलिए इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनको बंदी बना लिया गया। अब उनको बंदी बनाया गया, उनको बहुत बहुत बुरा बिहेव किया जाता था, उनके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, और सबसे पहले तो उनकी आंखें गरम गरम लोहे की सलाखों से उनकी आंखें जला दी गई थी, और उसके बाद भी मतलब आंखें तो जलाईं, उसके बाद भी उनको टॉर्चर करते थे अलग अलग तरीक़ों से, नए नए तरीके आजमाते थे उनके ऊपर। फिर खैर कुछ वक्त तक उन्हें इसी तरह टॉर्चर किया गया और उन्होंने फाइनली, मोहम्मद गौरी ने डिसाइड किया कि अब मैं इसको पृथ्वीराज चौहान को अब मैं मार दूंगा। तो पूरी उन्होंने सभा तैयार कराई गई, सब लोग बैठे थे वहाँ पर, पृथ्वीराज चौहान को बुलाया गया और मोहम्मद गौरी अपने अपने उस पर चेयर पर आराम से बैठा हुआ था।
अब जहाँ ये पूरी सभा तैयार हुई थी, उस सभा में मौजूद थे चंद्र बरदाई, जो कि महाकवि थे और पृथ्वीराज चौहान के बचपन के दोस्त भी थे। तो अब जब उन्होंने सुना कि अच्छा इनकी इनको ये तो मार देगा, तो उन्होंने अपना दिमाग थोड़ा सा चलाया कि क्या कर सकता हूँ, मतलब किस तरह से मैं इनकी जान बचा सकता हूँ। और उनके पास आइडिया आया कि क्यों ना मैं इनकी जो एक कला है जिसमें इनको महारत हासिल है उसके बारे में बोलूँ। तो वो खड़े हुए और उन्होंने मोहम्मद गौरी के सामने बोला कि आपको मालूम नहीं है, जो जिस इंसान को आप मारने जा रहे हो इसके पास एक बहुत ही अनोखी कला है, ये शब्द भेदी बाण में इसको महारत हासिल है। और ये मतलब शब्द भेदी बाण का सबके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ दोहे के बेसिस पर आप तीर चलाते हो और उससे अटैक करते हो, और जिसको महारत हासिल होती है, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान थे, वो सिर्फ और सिर्फ दोहे के बेसिस पर जब वो तीर चलाते थे तो बिल्कुल निशाने पर जाकर लगता था। तो जब उन्होंने चंद्र बरदाई ने ये बात बोली कि उनको ये चीज़ आती है, तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो चलो इसकी कला का हम देखते हैं कि आता है या नहीं आता है या फालतू में सिर्फ फेंक रहे हैं। तो उसने बोला कि भाई पूरा सब तैयार किया जाए। अब पूरा सब चीज़ें अरेंज की गई और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि आरंभ करो, तो इससे पृथ्वीराज चौहान को आइडिया लग गया कि कहाँ बैठा हुआ है मोहम्मद गौरी। उनकी तो आंखें थी नहीं, क्योंकि आंखें तो पहले जला दी थी, तो उनके पास खाली उनका धनुष और बाण था, वो खड़े हुए हैं। फिर चंद्र बरदाई को बुलाया गया क्योंकि वो महाकवि थे, तो उन्होंने एक लाइन बोली, मतलब एक दोहा बोला, जिससे पृथ्वीराज चौहान को और ज़्यादा एग्जैक्टली मालूम चल गया कि मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा हुआ है। और ये दोहा बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, लोग आजकल तो सभी इस दोहे को जानते हैं। तो ये दोहा था कि चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो जब पृथ्वीराज चौहान ने ये दोहा सुना तो उनको मालूम चल गया कि हाँ इसी जगह पर मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है। उन्होंने अपना तीर लिया, निशाना साधा और जो वो तीर गया जाकर लगा मोहम्मद गौरी के, और मोहम्मद गौरी वहीं गिर गया। तो जब सब लोगों ने देखा कि भाई ये क्या हुआ, मतलब एक ही निशाने में मोहम्मद गौरी का खात्मा कर दिया, तो सब एकदम सकपक आ गए और दोनों खड़े थे वहाँ पर, चंद्र बरदाई भी और पृथ्वीराज चौहान भी। तो अब दुश्मनों से घिरे हुए थे चारों तरफ से, वैसे में उनकी तो आंखें भी नहीं है, भागेंगे तो कहाँ भागेंगे। तो इसीलिए दोनों ने सोचा कि दुश्मनों के हाथों से मरने से अच्छा है कि हम एक दूसरे का वध कर दें, और वहाँ एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए कि हम एक दूसरे को दुश्मनों के हाथों से नहीं मरने देंगे, इसीलिए हम दोस्त होने के नाते एक दूसरे को मार देते हैं, यही डिसाइड कर दोनों ने दुश्मनों को उनको हाथ लगने से पहले ही एक दूसरे का खात्मा कर दिया। तो ये वजह थी कि चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के बचपन के दोस्त होने के बावजूद भी उन्होंने उनका वध किया था। तो एक बहुत बड़ी उन्होंने मिसाल कायम की है कि दोस्ती में सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ही नहीं करनी अपने दोस्तों के लिए, कभी कभी आपको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनके लिए शायद आपका दिल आपको कभी भी इजाज़त नहीं देगा। तो ये थी पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई की कहानी, जो हमें अक्षय कुमार की फिल्म में देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित होगी, क्योंकि अक्षय कुमार की सभी फिल्में अच्छा ही काम करती हैं, वो साल में तकरीबन 2-4 फिल्में तो करते ही करते हैं और सभी फिल्में अच्छा रिकॉर्ड कायम करती हैं। तो देखना यह है कि इस फिल्म में वो किस तरह के लुक में नजर आएंगे और क्या कमाल करती है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर। इस फिल्म से जुड़े अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, और इससे जुड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।